तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 2022 मॉडल न्यू होंडा हाइनस सीबी 350 का डिलक्स मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास है डिलक्स मॉडल का मैट मार्शल ग्रीन मेटालिक कलर, जो कि काफी प्यारी कलर लगती है देखने में। तो अगर आप लोग को मैट फिनिश बाइक पसंद है तो आई एम श्योर कि ये कलर आप लोग को काफी पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं कि 2022 मॉडल न्यू होंडा हाइनस सीबी 350 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस चल रही है ना 2022 में, वो आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इसकी एक्सोन प्राइस भी बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में न्यू होंडा हाइनस सीबी 350 का डिलक्स मॉडल लेने जाते हैं तो आप लोगों को जो कंप्लीट बाइक है ये आप लोगों को कंप्लीट कितने में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो डिलक्स मॉडल आता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिलक्स मॉडल, डिलक्स प्रो मॉडल, एनिवर्सरी एडिशन में आपको क्या डिफरेंट देखने को मिलते हैं, वो भी डाउट इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर आप नए, अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे ने वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में कि जो डिलक्स प्रो मॉडल आती है, जो डिलक्स मॉडल आती है, जो एनिवर्सरी एडिशन आती है, इसके लुक में कोई डिफरेंट देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, लुक्स वाइज इस बाइक में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग डुअल टोन मॉडल नहीं लेते हैं, अगर आप लोग सिंगल टोन मॉडल लेते हैं, तो तीनों का जो लुक है ना लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, तो डिलक्स प्रो मॉडल में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको डिलक्स मॉडल दिखा रहे हैं तो इसके कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हाइनस सीबी 350 के डिलक्स मॉडल में आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको दो कलर ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा कलर निकल के आता है वो निकल के आता है रेड मेटालिक कलर। इसका जो तीसरा कलर निकल के आती है वो निकल के आती है पर्ल नाइट स्टार ब्लैक कलर। तो दोस्तों, ये जो मैट मार्शल ग्रीन मेटालिक कलर है ना, ये आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये कलर काफी प्यारी लग रही है। आप लोग को ये कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के अगले चेंज के बारे में, यानी कि इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी बाइक लेने जाते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो बाइक के प्राइस को लेकर रहता है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, ये इसका हाइनस सीबी 350 का सबसे बेस मॉडल है, तो इसकी जो एक्सोन प्राइस पड़ेगी, इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा ना, डिलक्स प्रो और एनिवर्सरी एडिशन से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के एक्सोन प्राइस के बारे में। तो इसका जो डिलक्स मॉडल आएगा, इसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1,98,179 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो दोस्तों होंडा हाइनस सीबी 350 का डिलक्स मॉडल जो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी वो पड़ेगी 2,32,000 से 2,34,000 के बीच में, यानी कि 2,32,000 टू 2,34,000 के बीच में आपको इसका डिलक्स मॉडल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ना, ये मैंने आपको एक लगभग प्राइस बताया, जिससे कि आप लोग अपना एक बजट सेट कर सकते हैं। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज है 310 mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देख सकते हैं इसमें आपको ईबीएस का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, इसमें आपको डुअल चैनल ईबीएस का सपोर्ट मिलता है, यानी कि इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको ईबीएस का चैन देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है 100/90 का, 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलाविल के साथ। और अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, तो इसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलेगा आपको राउंड शेप में, आपको क्लासिक लुक देखने को मिलती है। इसका जो हेडलैम्प देखने को मिलता है आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा वो भी आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपको प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग चारों इंडिकेटर साथ में जला सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो हेडलैम्प है ना, इसकी जो रोशनी है, इसमें आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से हैंडल बार के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा ना, काफी कंफर्टेबल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग राइड के लिए बनाई गई है, तो इसमें आपको जो कंफर्ट मिलने वाला है आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल के सबसे पहले साइड में देखिए, इसमें आपको यूएसबी पोर्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें आपको डिजिटल मीटर कंसोल के साथ इसमें आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है।
इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं, जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसकी बात करें तो इसमें आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, GPS इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्पटी देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप लोग को ये पता चल जाएगा कि आपके बाइक में कितना फ्यूल है और आपकी जो बाइक है ना उतने फ्यूल में कितने किलोमीटर तक जाएगी। और साथ ही साथ इसमें आपको टॉर्क कंट्रोलर सिस्टम भी मिल जाती है, और इसमें आपको होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोलर सिस्टम देखने को मिल जाती है, जिसे आप लोग अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके मीटर कंसोल में आपको जो फीचर्स इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ना, काफी एडवांस मीटर कंसोल देखने को मिलता है। मीटर कंसोल के साइड में आपको USB पोर्ट चार्जर भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के मीटर कंसोल की बात, और अगर हम बात करें इस बाइक के लेफ्ट हैंड बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो साइड मिरर मिलेगा आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। जैसे कि रॉयल एनफील्ड की जो बाइकों का जो साइड मिरर देखने को मिलती है वैसे सेम देखने को मिलता है, जो कि काफी क्लासिक लगता है देखने में। और अगर हम बात करें इस बाइक के स्विचेस क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको लो एंड एम का स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाएगा, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। स्विचेस क्वालिटी जो मिलेगा आपको काफी मजबूत देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस बाइक के राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको इंजन ऑन ऑफ स्विच दोनों एक ही में देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोग एक ही स्विच से दोनों काम कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग अपने चारों इंडिकेटर को साथ में जला सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है काफी मस्कुलर और काफी बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इसमें आपको प्री इंस्टॉल टैंक पैड देखने को मिल जाती है, जो कि राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होती है राइडिंग के टाइम पे। और अगर हम बात करें इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो दोस्तों ये लॉन्ग राइड के लिए बाइक बनाई जाती है, तो इसकी जो सीटिंग कंफर्ट है, इसकी जो कुशनिंग है, आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन ग्रेविल मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको लेडी फुटरेस भी देखने को मिल जाता है, तो आपकी जो घर की लेडीज होती है ना वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के साइड में देखते हैं होंडा का 3D एम्बर लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 15 लीटर की। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिलता है 348.36 cc का 4-stroke एयर कूल BS6 SI इंजन देखने को मिलेगा। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 15.5 kW का 5500 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 30 Nm का 3000 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वॉक मिलता है प्रोग्राम्ड FI सिस्टम मिल जाती है, यानी कि आपका जो इंजन है ना काफी रिफाइन इंजन देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से इसका जो माइलेज मिलेगा ना वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए 30 से 35 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टेल लाइट मिलेगा वही सेम आपको बल्ब टेल लाइट देखने को मिलती है, तो इसके रियर प्रोफाइल में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो तीनों मॉडल आते हैं ना, तीनों मॉडल का जो रियर सेक्शन है ना लुक्स है ना सेम देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वो भी आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी साइज है 240 mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया, क्योंकि इसमें आपको डुअल चैन ABS देखने को मिलता है, तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको ABS का चैन देखने को मिल जाती है। और इसका जो रियर टायर मिलेगा वो आपको काफी चौड़ा टायर लगाया गया है, जो कि 130/70 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलाविल के साथ। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर प्रोफाइल की बात, इसके रियर सेक्शन की बात। और यहाँ पे देखिए साइड प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं हाइनस CV350 की बैचिंग देखने मिल जाती है क्रोम और रेड कलर के साथ, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के थोड़े से नए अपडेट के बारे में, तो दोस्तों इसके साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाता है, इसका यूज आप लोग को पता होगा। दोस्तों ये जो साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम है ना, ये काफी अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है 2022 के लगभग सभी बाइकों में, जो कि काफी अच्छा अपडेट देखने को मिल जाता है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के मेन चेंज की बात। अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक में आपको 2022 में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पहला, इसमें आपको टॉर्क कंट्रोलर सिस्टम मिल जाता है, जिससे कि आप लोग अपने बाइक के इंजन के टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोलर सिस्टम मिल जाता है। तीसरा, इसमें आपको हैजार्ड स्विच मिल जाता है। चौथा, साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाती है। पांचवा, इसका जो प्राइस है ना पहले से 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस के 2022 मॉडल में आपको होंडा की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के चेंजेस और अपडेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं फाइनली, जो आप लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि जो डिलक्स मॉडल आती है, जो डिलक्स प्रो मॉडल आती है, जो एनिवर्सरी एडिशन आती है ना, इनमें आपको क्या डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इनके फीचर्स वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके डिलक्स मॉडल में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है, बाकी दोनों में आपको डुअल हॉर्न देखने को मिल जाती है। और इसका जो एनिवर्सरी एडिशन आती है ना, उसमें आपको जो ग्राफिक्स, जो लोगो देखने को मिलेगा आपको गोल्डन कलर में देखने को मिलती है, बाकी सभी में आपको सिल्वर कलर का देखने को मिलता है। और जो डिलक्स मॉडल आती है उसमें आपको सिंगल टोन कलर देखने को मिलेगा, लेकिन डिलक्स प्रो मॉडल में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है।
ली है। तो दोस्तों यही कुछ डिफरेंट इन तीनों मॉडल में देखने को मिलते हैं। फीचर्स वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज में आपको कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसे लगे नए अपडेट, और साथ ही साथ ये जो मैट मार्स ग्रीन मेटेलिक कलर है ये आप लोगों को कैसी लग रही, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि स्पेशली मुझे ये कलर काफी अच्छी लगी, आप लोगों को ये कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये बाइक अच्छी लगी, ये कलर अच्छा लगा, तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के ध्यान की हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।